हाय गाइस, वेलकम टू आरव व्लॉग्स। और अभी मैं जा रहा हूँ गूंज के पास और फिर गूंज के साथ मैं निकलूंगा कुणाल और पूजा के पास, क्योंकि घर से आने के बाद अभी तक उनसे मिले नहीं है और कुछ सामान वगैरह भी लाई है गूंज उनको देने के लिए, तो वो भी देते हुए जाएंगे और मुलाकात भी करेंगे। हम लोग पूजा के वहाँ आ गए गाइस और पूजा हमें रास्ते में मिल गई और पूजा ने आजकल जुम्बा ज्वाइन किया है तो पहले से पतली नजर आ रही है। पूजा, जुम्बा का असर है ये? कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा ने एप्पल लिया है, वो भी कटा हुआ, खाया हुआ एप्पल। कोई नहीं है, घर पे आ गए हैं और मुझे भाई। क्या हम दोनों एक दूसरे का व्लॉग बना लेंगे। कैसे हो? तो गाइस, फयाज के रूम में अभी रिनोवेशन किया गया है। कहाँ? ये फयाज को दिखा रही है कि इसका रूम अच्छा हो गया। ये हम सब दोस्तों का अड्डा है, हम लोगों का ये वो है, क्या बोलते हैं उसे, वो सेंटर पॉइंट। सब लोग मतलब आएंगे तो यहीं मिलना होता है। तो गैस, अभी हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हम लोग खाएंगे मेथी के परांठे, जो कि बनाएगी पूजा अपने हाथों से। और पूजा मेथी के परांठे बहुत टेस्टी बनाती है, जब बन जाएंगे तो दिखाता हूँ। तो इधर पूजा ने स्टार्ट कर दिया बनाना और पूजा अभी आटे में। पूजा का स्टाइल कुछ अलग है एक्चुअली, जैसे घर में अलग बनता है, ये अलग कुछ अलग तरीके से बनाती है। अभी फिलहाल इसने मेथी को इसमें पूरा मैश कर दिया, आटे में गूंद देगी और फिर उसके बाद बनेंगे। और ये बनने का बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने खाए थे पूजा के हाथ के। मेथी आटा और नमक इसमें मिला दिया और अभी इसे मैश करके अच्छे से, जैसे कि आटे को गूंदते हैं वैसे गूंद देंगे। और अभी अभी गूंज कर डिसाइड हो गया कि वो बनाएगी चटनी। पूजा फैज के लिए कुछ मैसेज देना चाह रही है। हाँ बोलो पूजा। अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो पक्का देखना, अच्छे से देखना और ध्यान से देखना कि इस ब्लॉग में तुम्हारे लिए बहुत चर्चे की बात हो रही है। चर्चे की बात हो रही है। भाई क्या गजब बोला। वो यार तो भयंकर मार देती बीच में डायलॉग ना। चर्चे की बात हो रही है, गजब ही डायलॉग था मतलब ये तो। अब इसमें ऑयल मिला रही है पूजा, ऑलिव ऑयल। ऑयल क्यों मिला रही हूँ? ताकि ये खास्ता हो जाए। खास्ता हो जाए मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सख्त सख्त, थोड़ा मुलायम हो जाए। मुलायम तेल इससे डाले, थोड़ा मुलायम हो जाए। मैंने एक नया वर्ड सीखा, खास्ता होता है। खास्ता मतलब मुलायम। गाइस ये कहाँ की भाषा है? झारखंड में खास्ता, खास्ता मतलब मुलायम। अच्छा, तो गाइस कोई झारखंड से देख रहा तो नीचे बताना। उधर गूंज का रायता तैयार हो गया है, कैसा बना है? बहुत यम्मी। और गाइस अभी कुछ दिन पहले ही पूजा दुबई से वापस लौट के, ये दुबई ट्रिप में थी, मस्त वहाँ घूमी फिरी। और ये दुबई से हम लोगों को वहाँ से फोटो भेज रही थी और जला रही थी, कभी रेत में कूद रही, कभी बाज बैठा रही, हमको जला रही थी वहाँ से फोटो भेज भेज। जोर लगा के हईशा, जीतेंगे हम हईशा। पूजा के पराठे यहाँ पर बन गए क्रिस्प क्रिस्प। देखो इन्हें देख के भूख लगने लग रही। जो हलवाई होता है उसको मिठाई खाने का मन नहीं करता ना अपनी, ऐसे जो पराठे बना रहा उसको भूख नहीं लगती, मैंने तो सुना है। अभी कोई और पराठे बना रहा होता ना, पूजा ने इसमें दो चार खा लिए होते। ये तो पूजा खुद बना रही है इसलिए बचे हुए हैं। इस पराठे आ गए और ये है रायता और ये है पराठे। मजा आ गया, देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं। तो पराठे हमने खा लिए, बहुत टेस्टी बनाए थे पूजा ने और मजा आ गया, एक नंबर। पेट भर के खाए मैंने, चार पराठे क्या बोला था पूजा को और पांच खाए हैं हम लोगों ने। तो अब हो गया जाने का टाइम, गूंज भी रेडी हो गई है, कुणाल है, कुणाल तो जिम विम जाके फिट बना हुआ है, ठीक है। हम यहाँ आए थे, यहाँ जिम चल रहा था फुल, तो फिर अब निकलते हैं। फिर पेट पूजा हो गई है, वो कहा हुआ था कि पहाड़ी यार जिसके खाए पिए खिसके, तो अब हम खा पी के निकल रहे हैं। बाय पूजा। तो यार आज पूजा और कुणाल से फाइनली मुलाकात हो गई और साथ ही साथ पूजा के हाथ के पराठे भी खाने को मिल गए। हमारी टीम में हर इंसान जो है कुछ ना कुछ चीज अच्छी बनाता है, जैसे कि गूंज की कड़ी बहुत फेमस है, वो कड़ी बहुत अच्छी बनाती है। वैसे और चीजें भी अच्छी बनाती है लेकिन कड़ी उसकी फेमस है,
कड़ी चावल बहुत अच्छा बनाती है। मैं जब भी रहता हूँ तो चाय बनाता हूँ ग्रुप में। ऐसी जब पूजा की बारी आती है तो वो हमें खिलाती है मेथी के पराठे। तो हर इंसान की अपनी अपनी स्पेशलिटी है ग्रुप में। और रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि पास में ही एक मेला लगा हुआ है, तो शायद कल मैं, फयाज, गूंज और भी हमारे फ्रेंड लोग अगर जाएंगे शायद मेले में। बचपन में मेले में बहुत गए, लेकिन काफी टाइम हो गया यार मेले में गए हुए, तो मेले में भी एक बार देख लेंगे क्या क्या राइड वाइड कुछ नहीं आई होगी तो एंजॉय करेंगे। बाकी यार मैं आज एक जगह पार्क में गया था, वहां बैठा हुआ था, कुछ लोगों की वहां पर बात चल रही थी और बातों ही बातों में एक टॉपिक आया कि जैसे लाइक आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान ब्रिज को क्रॉस करता है, किसी पुल को, खासकर ये हिंदू उनमें ज्यादा होता है, जब भी कोई ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उसमें पैसे डाल देते हैं। तो वही सब बात चल रही थी कि एक अंधविश्वास था यार, मतलब पहले से चली आ रही है सब चीजें फालतू ये वो वगैरह। तो गाइज मैंने उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको भी दे रहा हूँ। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन लोगों को लगता होगा कि यार ये अंधविश्वास है कि पैसे डालने से क्या होता है, आपने पैसे डाल दिए कोई ऐसा तो कुछ वो है नहीं, तो एक्चुअली मैं इसकी जो स्टार्टिंग थी या आप कहें जो इसकी एक तरीके से जो प्रचलन था एक टाइम पे, वो इसलिए था क्योंकि पहले के टाइम में आपको पता है कि जो सिक्के होते थे ज्यादातर वो तांबे के बने होते थे, राइट। और तांबे की एक विशेषता ये होती है, मतलब तांबे की एक क्वालिटी है कि वो पानी को प्यूरिफाई करता है। तो पहले के टाइम के जो लोग थे उन लोगों ने ये जो प्रचलन था या ये रिवाज था वो इसलिए चलाया था कि जब भी आप किसी ब्रिज से गुजर रहे हैं और आप वहां से एक सिक्का डाल देंगे उस ब्रिज में, तो ऐसे करके उसमें कई सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते थे तांबे के, और तांबा जो होता था वो उस पानी को प्यूरिफाई करता था। तो उन तांबे के सिक्कों की वजह से जो नदी का पानी होता था वो काफी हद तक प्यूरिफाई हो जाता था, और जितना नदी का पानी प्यूरिफाई रहेगा तो आपको पता ही है वो आपके काम आने वाला है। तो ये एक तरीके से उस टाइम पे ये सब चीजें चलाई गई थी ताकि जो है पर्यावरण अच्छा रहे। लेकिन बाद में क्या है, लोग धीरे धीरे, लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, तो फिर अब तो कोई कुछ भी सिक्के डाल देते हैं, कुछ भी एक मन्नत टाइप की बना देते हैं। सबका अपना अपना विश्वास होता है, उसमें क्या कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जो बेसिक जो स्टार्टिंग थी वो इस तरीके से हुई थी। भाई कल हम मेले में जाने वाले हैं तो मैं आपको वहां का दिखाऊंगा कि मेले में क्या क्या है क्या नहीं है, मजे करेंगे, देखेंगे, थोड़ा बचपन की यादें ताजा करेंगे। और अभी के लिए फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा अगले ब्लॉग में। और आप जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना कीमती सा कमेंट इसके नीचे जरूर छोड़ देना यार। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।